आप देख रहे हैं लाइव आज हर खबर आप तक। नजीबाबाद कोतवाली रोड ग्राम सरवनपुर नहर में अनियंत्रित होकर तहसीलदार की गाड़ी नहर में गिरी। अनियंत्रित कार नहर में गिरने से 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। उत्तराखंड तहसीलदार व अर्दली तथा कार चालक की नहर में मिली बॉडी। 3 लोगों की मौत से उत्तराखंड में दौड़ी शोक की लहर। घंटों मशक्कत के बाद बिजनौर पुलिस ने डेड बॉडी को तलाशा। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के सरवनपुर इलाके का मामला। हम आपको बताते चलें कि जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र अंतर्गत गांव सरवनपुर नहर में देर रात्रि एक चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। कार में सवार रूप की तहसीलदार सुनीना राणा, गाड़ी चालक सुंदर सिंह व अर्दली उम्पाल नहर में डूब गए हैं। बताया जाता है कि यह 3 लोग कार में सवार होकर नैनीताल से रुड़की जा रहे थे। जब उनकी कार थाना नजीबाबाद अंतर्गत गांव सरवनपुर नहर के पास पहुंची तो अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से गाड़ी व डूबे हुए व्यक्तियों की तलाश की गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह व जिलाधिकारी रामाकांत पांडे घटनास्थल पर मौजूद है। आज न्यूज चैनल के लिए जनपद बिजनौर के तहसील नजीबाबाद से रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन रिपोर्टर। थाने की बोलिया, यहाँ पर एक दुर्घटना रात में घटी है जिसमें तहसीलदार उत्तराखंड की सुनैना राणा, ये लोग इनकी कोई ट्रेनिंग थी नैनीताल से, वहाँ से वापस मुड़की जा रहे थे। रात में ये एक्सीडेंट हुआ, पुल की रेलिंग तोड़ करके इनकी बोलेरो गाड़ी ये नहर में गिर गई। यहाँ नहर में पानी बहुत ज़्यादा है, बहाव बहुत तेज है, तो ये 3 लोग यानी तहसीलदार रुड़की सुनैना राणा, उनका ऑर्डरली और उनका ड्राइवर, ये 3 लोग बोलेरो गाड़ी में थे, तो ये इसमें डूब करके उनकी मृत्यु हुई है। इनका इनके शवों को इससे निकाल लिया गया है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाड़ी भी ट्रेन के माध्यम से निकाल ली गई है। अब जो भी इसके आगे की कार्यवाही वो कराई जा रही है। उत्तराखंड के अधिकारियों के हरिद्वार को इसकी सूचना तत्काल दे दी गई। गाँव के पास में पूर्वी गंगा नहर एक दुखद घटना हुई है। नैनीताल से लौट रहे उत्तराखंड के अधिकारी तहसीलदार रुड़की राणा और उनका अर्डरली और ड्राइवर जो इस नदी के जो नहर थी रेलिंग तोड़ करके रात में गिर गई। ट्रेस किया गया, बाद में पता चला किसी जगह पर रेलिंग तोड़ करके गाड़ी गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। मुख्य रूप से 3 लोग की मृत्यु हो चुकी है, उनकी डेड बॉडी निकाल ली गई है और गाड़ी भी निकाल ली गई है। जिलाधिकारी लोग मेरे द्वारा यहाँ पर अभी कार्रवाई पूरी हो चुकी है स्थानीय पुलिस में और लोगों के सहयोग से गोताखोरों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ। वहाँ के अधिकारियों से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से हमें मुलाकात हो चुकी है।